ठीक है, आप किसी को समझा रही है, यही तो काम है, इससे बेहतर तो कुछ काम ही नहीं है। यही तो हमारा आपका काम है कि किसी को समझा सके। शिव को गुरु को माने हैं हम, उन भाई बहन में मत भेद क्यों। अच्छा एक चीज बताइए, ये पांच उंगली है एक साइज की है, आपके घर में आपके शरीर से दो बच्चे होंगे, तीन बच्चे होंगे, सबका एक स्वभाव है। अबे जगत है यार, ये जुड़वा बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है, तो हम आप एक जैसे कैसे हो जाएंगे। महादेव कहीं लिखे है क्या, तो तुम मेरा चेला हो तो आपस में मतभेद मत करना। मतभेद तो हो ही जाता है, मन भेद नहीं होना चाहिए, मन से अलग नहीं होइए। अरे भाई बोली से अलग काहे नहीं हो सकते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, वहां पर तो सवाल आप नहीं करते। किसी को आम अच्छा लगता है तो किसी को लीची अच्छी लगती है, कोई कोई तीखा खाता है, मिर्चाई खाता है, कोई मीठा खाता है, वहां पर तो सवाल नहीं होता। मन भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकता है, होना चाहिए, लोगों के बीच सुलझे हुए लोगों के बीच में बहस होनी चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, पर मन में नहीं होना चाहिए, बोली में होनी चाहिए। हमारे गुरु शिव हैं और शिव हैं चीजों को देखने के लिए, वो गुरु हैं। ऐसा नहीं समझिए कि हमको और आपको दिखता है कि फलनवा लड़ रहा है, फलनवा दुलार कर रहा है, वो जगत के गुरु हैं, उनको सब दिखता है। और साहब दीदी है, महादेव ने साहब को कहा है कि तुम्हारा काम है तुम जानो, तो बस सजग रहिए कि हमसे और आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। जानबूझ करके कुछ ना हो जाए, जाने में हो जाए कोई बात नहीं, पर जानबूझ करके नहीं होनी चाहिए। तो मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए, और महादेव महादेव करते रहिए, जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं दया मांगती हूँ या चर्चा नमन करती हूँ तो मेरा मन बहुत भटकने लगता है, मैं क्या करूँ। दया मांगती हूँ, चर्चा देखिए, मन बना ही है भटकने के लिए। मन का अर्थ होता है कि जहाँ हमारा अपना देह है वहाँ मन नहीं है, और जहाँ मन है वहाँ देह नहीं है। मन तो बना ही है भटकने के लिए, महादेव ने बनाया ही है इस तरह, परमात्मा ने हमको और आपको बनाया ही है इसलिए कि हमारा मन चंचल वृत्ति का है, चंचल है। तितली तो एक जगह बैठ भी जाती है 5 सेकंड 10 सेकंड, हमारा मन नहीं बैठता, वो शिव की दया से बैठेगा, वो शिव की दया से स्थिर होगा। शिव ने ही बनाया है, उसकी इच्छा के विपरीत हम आप कैसे चल सकते हैं। बस दया मांगते रहिए, जैसा साहब दीदी कहते हैं करते रहिए, कोशिश करते रहिए कि इन सूत्रों को करते हुए स्थिर रहेगा, और ज्यादा स्थिर भी तो नहीं करना, जब तक तो चलाना है जी। प्रसादी बना है तो फिर भी प्रसादी क्यों चढ़ाती है, भजन ज्यादा होता है, चर्चा का होता है, तीन सूत्र को भी नहीं बदला। प्रसाद मना है तो फिर भी प्रसादी क्यों चढ़ाती है, भजन ज्यादा होता, चर्चा कम होता, तीन सूत्र के बारे में नहीं बता दे। लेकिन एक साहब ने जो मना किया है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। साहब ने किस लिए मना किया, आपको घर में चढ़ाना है चढ़ाइए ना भाई, बिल्कुल चढ़ाइए घर में। तो हम लोग महादेव को चढ़ाते हैं मिश्री दाना बतासा, बढ़िया बढ़िया मिठाई नहीं चढ़ाते महादेव को, मिश्री दाना बतासा चढ़ाते हैं। खैर चलिए, हर आदमी अपने सामर्थ्य से चढ़ाता है। अगर आप आपके पास 20 रुपए हैं, आप 5 रसगुल्ला ले आए बाजार से चढ़ाने के लिए, मेरे पास 2 रुपए आए हम मिश्री दाना ले आए चढ़ाने के लिए, तो मेरे मन में लगेगा ना कि वो महादेव कैसा है, हमको भी 20 रुपया देता तो हम भी उसको रसगुल्ला चढ़ाते। तो हमारे आपके किसी काम से कोई आदमी दुखी हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। बस और बस साहब का एकमात्र यही उद्देश्य है, आपके घर में घी है तो आप घी का दिया जला लेती हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं जलाते हैं, तो मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। हमारे आपके किसी भी काम से अनजाने में ही कोई शिव से दूर हो ऐसा हमको और आपको कोशिश ऐसी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए साहब ने मना किया है। और भजन गाने से, प्रसाद चढ़ाने से, एक लोटा जल डालने से बगल में देवघर है आपके, अगर हम आप बहुत प्रेम से रहते तो शिव को गुरु होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हजारों हजार साल से हम आप एक लोटा जल डाल रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, आज तक हम आप एक नहीं हुए, ये भगवान शिव की शिष्यता है। और साहब दीदी माँ का संकल्प है कि आज यहाँ 2000 लोग बैठे हैं, 500 जातियों के होंगे, कई धर्मों के होंगे, कई पंथों के होंगे, फिर भी हम आप प्यार से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं,
बड़े प्रेम से हम आप रह रहे हैं, तो आप प्रसाद चढ़ाइएगा तो कोई दुखी भी तो हो सकता। आप अपने घरों में चढ़ाइए ना, हलवा बनाइए, पूड़ी बनाइए, जो कुत्ता है बनाइए और चढ़ाइए। चर्चा स्थलों पर इसकी थोड़ी मनाही रहती है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा संख्या में, हम लोगों को थोड़ा बीमारी भी है कि अपना माथा पे अचरा रखे, पांच बार प्रणाम किए, अगरबत्ती से जल जाएंगे कुछ हो जाएगा, प्रसाद लेने में कोई गिर जाएगा, इसीलिए साथ में मना किया है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और तीन सूत्र के बारे में नहीं बताते, सब तारीख की लेकिन कोशिश करिए कि महादेव की बात हो, सात दिन की बात हो, और तीन सूत्रों पर बात हो। नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं तो वह अधूरा प्रणाम, नमः शिवाय से पूरा है, अंतर समझाने के लिए। नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं तो अधूरा प्रणाम है, ओम नमः शिवाय से करते हैं तो पूरा प्रणाम है। इनका भी सवाल है, महादेव काम में आके बोले थे क्या? बोले हैं तो जरा हमारा भी पता बता दीजिएगा। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं, आप करिए ना, साथ ये चर्चा भी तीन चार दिन पहले हम लोगों ने सुनी है कि आपको ओम नमः शिवाय करना है करिए, आपको नमः शिवाय करना है करिए, पर जो किताबें कहती हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव का मंत्र पंचाक्षर है, जोड़िए ओम नमः शिवाय, छह अक्षर का हो गया। तो शास्त्र की बात गलत है या हमारी बात गलत है? हर जगह लिखा रहता है शिव के मंदिरों पर पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, तो वहां शताक्षर क्यों नहीं लिखे रहते? ओम एक खूबसूरत सा डब्बा है जिसमें नमः शिवाय रखा है। हम आप चूड़ी खरीद कर लाते हैं बाजार से, सामान खरीद कर लाते हैं बाजार से, तो डब्बा समेत नहीं उपयोग में लाते हैं, पन्नी में कागज के ठोंगा में भूजा देता है, ठोंगा खा लेते हैं कि खाली भूजा खाते हैं। तो ओम एक डब्बा है उसमें नमः शिवाय रखा है, आपका और हमारा प्रणाम करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ओम नमः शिवाय से आपका प्रणाम और शिव तक पहुँच रहा है, जरूर करिए। आपको लगता है कि नमः शिवाय से मेरा प्रणाम और शिव तक पहुँच रहा है, तो जरूर करिए। आपका प्रणाम करना जरूरी है, और शिव की शिष्यता में साहब ने जो कहा है वही होगा। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय से हमको और आपको प्रणाम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो कोशिश करिए। जो लोग नहीं चलते हैं वो हंसते हैं, ठिठोरी करते हैं, उसे कैसे समझाएं? देखिए अच्छा काम जब आप हम आप करने करते हैं तो लोग हंसता है, समाज है, समाज में टेंशन नहीं लेना है। अच्छा काम के निकलेगा तो लोग कहेगा चमकाता है, फटाफट पान के निकलेगा तो देख लीजिए सर कुछ हरिया नहीं है, फटाफट नहीं घूम रहा है, और वो आपको जीने ही नहीं देगा। शिव आपको जीने देंगे, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब भी हम आप अच्छा काम करते हैं तो विरोध होता है, साहब से सीखिए। साहब ने जब शुरू किया था तो विरोध के अलावा उनके पास बस शिव थे और कुछ नहीं था। साहब ने जब महादेव का काम शुरू किया उनके पास बस विरोध था लोगों का और एक महादेव थे। साहब ने किसको चुना? महादेव को चुना, विरोध अपने आप खत्म हो गया। हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम आप महादेव को चुने, साहब दीदी को चुने, अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए। मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ, अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए और भूल जाइए। विरोध होते रहता है, हम आप आए हैं इस दुनिया में, चले जाएंगे, सारा विरोध खत्म हो जाएगा। जब तक शरीर है तब तक ना हमारी आपकी बुराई है, मर जाने पर कितना भी खराब आदमी रहता है, हम लोग कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे देना, कितना भी चोट लगा गुंडा मवाली रहेगा, हम लोग कहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। अब बोलते नहीं कोई आपकी भाषा में, आदमी बहुत खराब था पर मर गया तो अब क्या बोले? तो सारा कुछ आलोचना है या बुराई है हमारे आपके जिंदा रहने तक ही है, पर शिव हमारे आपके बाद भी है, हमारे आपके साथ भी है, साहब दीदी हमारे आपके बाद भी है, हमारे आपके साथ भी है, तो शिव को पकड़िए ना, साहब दीदी को पकड़िए ना।